प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद हो। मीसा भारती ने पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया उस पर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल लालू की बेटी ने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार सत्ता में आई तो पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई नेताओं को जेल भेज दिया जाएगा। वहीं इसको लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मीसा पर पलटवार किया है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा और मुकेश सहनी मीसा के सपोर्ट में उतर आए हैं। मीसा भारती ने चुनाव प्रचार के दौरान कह दिया कि अगर INDIA की सरकार आई तो मोदी और बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। मीसा भारती के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। सिन्हा ने कहा कि मैं चुनौती देता हूं, किसी भी भाजपा नेता पर आरोप साबित करके दिखाएं। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से अपील की है कि वे इनके धमकी भरे बयान का संज्ञान लें। बता दें कि मीसा ने चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों के प्रश्न पर कहा था कि INDIA की सरकार आई तो नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम MSP लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे ने परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद हो। तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि झूठ, फरेब और धमकी राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र है। इन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए अकूत धनार्जन किया है। लालू परिवार समेत इंडी गठबंधन के सभी दलों के प्रमुख नेताओं के लिए चुनाव भी धनार्जन का अवसर लेकर आता है। ये नेता भ्रष्टाचार से अर्जित धन का निवेश अपने व्यापार के फलने फूलने के लिए लगाते हैं। मीसा भारती घबराहट में है कि यदि भाजपा फिर से सत्ता में आएगी तो इनके बुरे कर्मों का हिसाब चुकता किया जाएगा। राजनीति इनके लिए सेवा नहीं बल्कि मेवा अर्जित करने का साधन है। भाजपा के गरीब कल्याण योजनाओं के कारण देश के गरीब किसान, युवा और महिला नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित हैं। मीसा भारती के बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस RJD नेता पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें अपने परिवार के घोटालों को देखना चाहिए। फडणवीस ने कहा उन्हें पहले अपना और अपने परिवार के घोटाले देखना चाहिए। पूरा परिवार इतने घोटालों में अटका हुआ है तो ऐसी बात कहकर लोकतंत्र का मजाक नहीं बनाना चाहिए।